स्वागत डीडी पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तुहाडे इंतजार दियां घड़ियां इत्थे खत्म हुंदियां ने क्योंकि गल्लां ते गीत प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। मैं हाँ नवदीप कौर, मैं हाँ संजीव। और अज महाशिवरात्रि मना रहा है पूरा भारत और खास करके जो कुंभ मेला है प्रयागराज में चल रहा है उत्थे खास तौर पर आयोजन किया जा रहा है। और बाकी असी देखांगे कि सारे ही देश के वख वख मंदिरों के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर इंसान महाशिवरात्रि मना रहा है जी। तो दूरदर्शन की पूरी टीम वालों साढ़े सारे ही दर्शकों महाशिवरात्रि दियां बहुत बहुत मुबारक असीं दिंदे हां। तो अज तुसीं गल कर रहे हैं कि देश दे विच तां जिहड़े अलग अलग जगह पर मेले ने इस दिन नूं एक त्यौहार की तरह पूरे जोश के उत्साह के नाल लोग मना रहे हैं, पर मैं कितें पढ़ रही सी तो इस गल दे विच सच्चाई भी है कि भारत तो बाहर भी कई इस तरह के देश ने जिथे महाशिवरात्रि का जिहड़ा मेला है उस नूं लगाया जाता है तो इस नूं बहुत जोश के नाल मनाया जाता। फॉर एग्जाम्पल जे आपां नेपाल की गल करिए तां अपने होर गुआंढी देश ने जिथे महाशिवरात्रि नूं बहुत ज़्यादा जोश के नाल मनाया जाता है। और खास तौर पर जो संगम है जिथे कुंभ का मेला चल रहा है, खास तौर असी देखिया जाए तो वक्खो वक्ख संस्कृतियां का संगम हुंदा है भारत दे विच, और इस करके ही भारत पूरी दुनिया दे विच जाणिया जांदा है। और जिथों तक भगवान शिव का ताल्लुक है, कहिंदे ने कि साडे सारयां दे अंदर शिव मौजूद है, जरूरत है उसनू पछाणन दी। और शिव कौन है? शिव ज्ञान है, जो शिव सानू मोक्ष दिंदा है, जो शिव सानू यह दसदा है कि साडे जिंदगी दे विच फर्ज की ने, काम की ने। और अज देखो लोग सारी रात जागणगे और सारी रात पूजा करनगे, अर्चना करनगे, सारी रात मंदिरां च बिताउणगे, कई लोग अपने घरां च और कई लोग बाहर, कई लोग जुंडलियां बना के कीर्तन भी करनगे। सो मुक्ति गल ए कि जदों तक असी इस एहसास नूं अपने अंदर नहीं जगाउंदे कि शिवरात्रि मनाउण दा मकसद की है, उदों तक शायद असी इसदा मायने नहीं समझ सकते। जी बिल्कुल, भारत एड्डा विशाल देश है, बहुत सारिया वड्डे देशों दे विचों एक देश है जे असी पूरी दुनिया की गल करिए। तो भारत दे विच अनेकता दे विच एकता दा अहसास उदों हुंदा है जदों महाशिवरात्रि जिहे जिहड़े त्यौहार ने सारे लोग मिलजुल के सारी रात जाग के इस नूं मनाउंदे ने पूरे जोश दे नाल ते एकता दा अहसास करवाउंदे ने। बिल्कुल जी, और कई कथावां जुड़ियां होईयां ने जो साडे पुराणा विच ने, शास्त्रा विच ने, भगवान शिव नूं लैके दुनिया की रचना तो लैके और दुनिया जदों समापन वल वधदी है उसनूं भी लैके बहुत सारिया कथावां ने। और शिव नूं मन्निया जांदा है कि एक तुरी है पूरे ब्रह्मांड दी, और इस शक्ति है जिस शक्ति नाल पूरे ब्रह्मांड की सिरजना हुंदी है और अलग अलग गैलैक्सीज बनदियां ने, आकाश गंगावां तो अलग अलग पृथ्वियां बनदियां ने, अलग अलग ग्रह नक्षत्र बनते हैं, इन्हां सब की रचना शिव तो हुंदी है। और जदों समापन हुंदा है इस खेल का जिसनों असी कहा जाता है कि शिव का नाच है, और ता ही शिव नूं नटराज कहा जाता है। और जदों इस खेल नूं, इस नाच नूं समेटदा है शिव तो फिर अपने अंदर समा लैंदा है। सो आदि तो अंत तक शिव की महिमा नूं दस्या गया है शास्त्रां दे विच, वेदां दे विच। बिल्कुल, ते एक वारी फिर तो जलंधर दूरदर्शन की पूरी टीम वालों सारे ही दर्शकों नूं महाशिवरात्रि दियां अज बहुत बहुत मुबारकां। एक चीज़ होर दसनी है कि अज एक होर खास दिन है, वह है जी नैशनल सेफ्टी डे, जिसनों असी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कहने हैं। वैसे कहन नूं दिवस है पर यह पूरा हफ्ता मनाया जाता है। सो नैशनल सेफ्टी वीक की जिहड़ी शुरुआत है वह अज तो हुंदी है। 1972 दे विच नैशनल सेफ्टी काउंसल की स्थापना हुई सी, उदों तो लैके हुण तक हर साल 4 मार्च तो एक हफ्ता जिहड़ा है इस दिवस नूं मनाउंदे हाँ ताकि जिहड़े कामकाजी लोग ने उन्हां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जा सके। जी, जो वक्खो वक्ख सिलसिलियां विच वक्खो वक्ख डिपार्टमेंट्स दे विच कर्मचारी काम करदे ने उन्हां दी सुरक्षा नूं ध्यान विच रखदे होए अज दा दिवस मनाया जा रहा है और पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है। और यही शिवरात्रि का भी संदेश है कि अपना भी ख्याल रखो, सब का ख्याल रखो, पूरे देश का, पूरे समाज का ख्याल रखो और अपना काम पूरे जज्बे दे नाल ईमानदारी नाल करो। हुण आपां अपना काम करदे हां क्योंकि अज सोमवार का दिन है, तो तुसी साडा जिहड़ा टॉपिक है अज का विशा है वह नोट कर लो। तो गल्लां ते गीत विच हर सोमवार की तरह अज का विशा है रोज़गार के मौके। 0181-281-4264 है जी फोन नंबर, तुसी इस नंबर पर राबता कायम कर सकते हो अगर तुसी किसी तरह की जानकारी चाहते हो या किसी तरह की कोई जिहड़ी जानकारी है सानू देना चाहते हो। बिल्कुल जी, और चलते हाँ रोज़गार के मौकों वाल। और पहला रोज़गार का मौका जो तुहाडी स्क्रीन पर आ रहा है वह डायरेक्टर जनरल वालों है। असम राइफल्स के विच जिहड़ियां पोस्ट निकलियां ने उस बारे आपां गल करांगे क्योंकि जदों आपां देश की आर्मी या फिर सुरक्षा की गल करते हैं तो उसका एक हिस्सा बनने का अपना अलग ही जिहड़ा एडवेंचर है, अलग ही मज़ा है, वह हुंदा है। सो नोट करो रोज़गार का मौका। जी, डायरेक्टर जनरल ऑफिस असम राइफल्स ने स्पोर्ट्स कोटा अधीन राइफलमैन, राइफल विमैन, जी डी जनरल ड्यूटी लई अर्जियां दी मंग कीती है। योग पुरुष अते महिला उम्मीदवार 17 मार्च 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते ने। ए जी स्पोर्ट्स कोटा वास्ते है।
जी स्पोर्ट्स कोटा दे विच केड़ियां आसामियां ने असम राइफल्स वालों निकालियां गईयां उसकी जानकारी दोबारा तुसीं अपने टीवी स्क्रीन तो नोट कर सकते हो। डायरेक्टर जनरल ऑफिस असाम राइफल्स ने स्पोर्ट्स कोटा अधीन राइफल मैन राइफल विमन जी डी लई अर्जियां की मंग की है। योग पुरश अते महिला उम्मीदवार 17 मार्च 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी यदि डिटेल्स वाल वधदे हां असामिया दा वेरवा की है नोट करो। असामिया दा वेरवा राइफल मैन राइफल विमेन जी डी 116 ने जी, जी। ए टोटल असामिया जी असामिया दा वेरवा एक बार मुड़ नोट कर लो। राइफल मैन राइफल विमेन जी डी दे विच 116 असामिया ने। सो इन्हां 116 असामिया वास्ते चोन प्रक्रिया की होएगी प्रोसैस की होएगा सिलैक्शन का नोट करो। चोन प्रक्रिया चोन PET या PST के आधार पर की जाएगी जी। अलग अलग तरह के मापदंड होंगे ने जिन्हां के आधार पर सिलैक्शन की जाती है। सो इस पर्टिकुलर असामी के लिए चोन प्रक्रिया नोट कर लो एक बार दोबारा तो कि टैसट ने PET ते PST के आधार पर चोन जी है वह की जाएगी। योग उम्मीदवार वद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं केड़ी वैबसाइट पर जा सकते हैं। योग उम्मीदवार अधिकारित वैबसाइट www.assamrifles.gov.in 17 मार्च 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं ते वधेरे जानकारी ले सकते हैं। जी वैबसाइट की जानकारी एक बार दोबारा नोट कर लो क्योंकि वैबसाइट तो तुहानू इस तो ज़्यादा जिहड़ी होर जानकारी है वो तुसीं पाओगे इस वैबसाइट तो। योग उम्मीदवार अधिकारित वैबसाइट www.assamrifles.gov.in ते जाके 17 मार्च 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं अते इस तो वधेरे जानकारी ले सकते हैं। जी साढ़े नाल इस टाइम फोन लाइन ते मौजूद ने प्रोफेसर बलजीत सिंह जी जो हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे विच इस टाइम एसोसिएटर ने। इन्हां दे अगर माहिरता दी गल करिए तो ये फोटोग्राफी 3D मॉडलिंग इस दे नाल नाल ग्राफिक डिजाइनिंग वर्गे कई अनेक जिहड़े सॉफ्टवेयर दे नाल रिलेटेड खेतर होंदे ने उन्हां दे विच माहिर ने। सो इन्हां दा आप पहला स्वागत करदे हां जी। बलजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, की हाल चाल? ठीक हो? बहुत वधिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी टाइम कढ़िया है अपने बिजी स्कैजुअल विचों साडे लई। सो असी जानना चाहवांगे कि एनीमेशन ते मल्टी मीडिया दे कोर्सेज केड़े-केड़े ने जिहड़े स्टूडेंट्स कर सकदे ने एक ब्राइट फ्यूचर वास्ते। एनीमेशन मल्टीमीडिया दे विच बेसिकली अगर आपां गल करिए तां थ्रू आउट जिन्नियां भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैगे आ उहनां दे विच मेजरली तुहानूं 1 साल दा डिप्लोमा भी ऑफर हो जांदा बच्चिआं नूं, जिहड़ा कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहुंदे 1 साल दा डिप्लोमा ऑफर कर सकदे ने जी। या उस तों बाद फिर ग्रेजुएशन आ जांदी है 3 साल दी, या फिर फर्दर होर स्टडी करना चाहुंदे ने उहनां वास्ते पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल दी भी आ जांदी है जी। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਰਕ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
एक छोटे तो छोटा मतलब जिदा कि फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कि मैं जॉब नहीं करनी तो मैं बिजनेस करना फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जी उस तो बाद एनिमेशन स्टूडियोज हो गए या जी प्रिंटिंग प्रेस हो गई, न्यूज पेपर डेली प्रिंट होंगे ने, डेली आते हैं साढ़े को, मैगजीन प्रिंट होंगे, मीन बिजनेस से भी काफी सारिया ऑप्शन काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वो आ जाती है। जी कई बच्चों का रुझान होंगे कि अभी फॉरन जाना है, ईवन फॉरन ले भी अगर कोई बच्चा जा रहा है तो फॉरन के स्टडी एप्लीकेबल हैगी है कि यह नहीं कि तुम इतों करते हो तो अभी कोई ऑप्शन नहीं मिलती, बहुत सारिया ऑप्शन फॉरन जाने वास्ते भी मिल जाएगी कि इतों तुम ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन उत्थे कर सकते हो या डिप्लोमा करके ग्रेजुएशन उत्थे कर सकते हो। बलजीत जी एक चीज़ आती है कि जो असं प्रोफेसनल फील्ड काम करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि असी किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन लीती है, लैवल्स मैचिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे है। सो जो अपने को अवेलेबल है पूरी स्टडीज़ दे विच एनिमेशन और मल्टीमीडिया का जो स्टैंडर्ड है वो मार्केट विच काम करने वास्ते जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उहदे नाल किन्ना क मैच करदा है? सर टोटली ओदे नाल ही मैच करना पैंदा है क्योंकि तुहानू दस्सिया प्रैक्टिकल फील्ड है। बिल्कुल है, अगर कोई बच्चा किसी सॉफ्टवेयर सीख रहा है, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहा है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज सिखाया जा रहा है जिहड़ा कि सॉफ्टवेयर अप टू डेट नहीं हैगा तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं हैगा। जी तो अप टू डेट सॉफ्टवेयर ही सिखाए जाते हैं हर जगह के उत्ते, जब कैमरा वर्क भी हैगा तो लेटेस्ट कैमरा के नाल उस चीज नु उत्ते वर्क करवाया जाता है। जी जी जो लेटेस्ट टेक्निक यूज हो रही है इंडस्ट्री दे विच वही चीज बच्चे नु पढ़ाई जावे ताकि अगे जाके वो जॉब कर सकन या काम कर सकन। जी प्रोफेसर बलजीत सिंह जी तुसी अपने कीमती समय दे विचों समा कढ के सानू जानकारी दित्ती, साडे दर्शकां नु जानकारी दित्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और देखिए अलग अलग तरह दियां जिहड़ियां फील्ड्स ने खेतर ने उन्हां दे विच भी रोज़गार दे मौके भारत दे विच भी वध रहे ने। सो एनीमेशन अते मल्टीमीडिया दे विच जे तुसी इंटरस्टड हो जिवें प्रोफेसर साहब ने कहा तुसी ए जिहड़े कोर्सेज ने कर सकदे हो तो अपना जिहड़ा रोज़गार है तुसी क्रिएट कर सकते हो या फिर रोज़गार लै भी सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और खास करके जदों असीं गल करदे हां रोज़गार दे मौकियां दी, इंडिया जो है वो विकासशील देश है, डिवेलपिंग कंट्री है, सो इहदे विच रोज़गार दे मौकियां दी कोई कमी नहीं, जरूरत है कि असी आले दुआले नज़र रखिए। और फिलहाल असी वधदे हां अगले रोज़गार दे मौके वल। जी नोट करो अगला रोज़गार दा मौका, संघ लोक सेवा आयोग जिसनों असी UPSC कहिंदे आ उसने सिविल सेवा IAS अते IFS प्रीलिम दे विच 2019 दे लई सूचना जारी कीती है। UPSC और ये IAS इंडिया का सब तो टफेस्ट एग्जामीनेशन कॉम्पीटिशन मनिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा IAS एंड IFS प्रीलिमिन यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होंगे 2019 लई सूचना जारी की है। जी तो इस अलावा जी अगे की जानकारी है वह भी तुसी अपने TV स्क्रीन तो नोट कर सकते हो ताकि तुसी अप्लाई कर सको टाइम पर। कुल असामियां ने जी 896 उम्मीदवार UPSC की अधिकारित वैबसाइट upscionline.nic.in ते जाके अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 896 असामियां वास्ते ये कॉम्पीटिशन हो जा रहे हैं। जी कुल असामियां किनियां ने ते वैबसाइट की जानकारी दोबारा तुसी नोट कर लो, कुल असामियां ने 896 उम्मीदवार UPSC की अधिकारित वैबसाइट www.upscionline.nic.in ते जाके अप्लाई कर सकते ने। जिस तरह कि मैं कह रहा हाँ सब तो टफ सब तो मुश्किल एग्जाम है, मुश्किल वैसे कोई नहीं जे तैयारी करो, लेकिन वैसे इनू काफ़ी टफ मनिया जाता है। किस तरह चोण होएगी, किस तरह प्रोसीजर होएगा उसकी जानकारी लवो। संघ लोक सेवा आयोग दियाँ दोवें प्रीख्यावान 2 जून 2019 वक् वक् प्रीख्या केंद्रा ते अदा होणगियां। मुढ़ली प्रीख्या विच सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार मुख प्रीख्या विच हाजिर हो सकणगे। मुख प्रीख्या इस साल के अखीर विच होवेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन मंगी जा रही है प्रीलिमिनरी एग्जाम वास्ते मंगी जा रही है जो सब तो पहला पड़ा है, उस तो बाद जो इहनू क्लीयर करता है मेन प्रीख्या वास्ते इस साल के अंत विच वो प्रीख्या होएगी उहदे विच वो अप्लाई कर सकेगा, पर पहला मुढ़ली प्रीख्या नू क्लीयर करना जरूरी है। जी प्रीख्या के मामले के जिहड़े पड़ा ने उन्हां दी जानकारी दोबारा नोट करो, संघ लोक सेवा आयोग दियां दोवें प्रीख्यावां 2 जून 2019 नूं वख-वख प्रीख्या केंद्रां ते होणगियां। मुढ़ली प्रीख्या विच सफलता हासिल करन वाले उम्मीदवार मुख प्रीख्या विच हाजिर हो सकणगे। मुख प्रीख्या इस साल दे अखीर विच होवेगी। ये दोवें प्रीख्यावां केड़ियां ने? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज़
IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज ये दोवें प्रीख्यावां दी जो जानकारी असीं दे रहे हां ये जो 2 जून नूं होण जा रही ने सो अगला प्रोसैस की है कि पहला तुसी मुख प्रीख्या दे विच जदों तुसी आ चुके हो उस नूं भी क्लीयर करोगे मुख प्रीख्या विचों सफल उम्मीदवारां नूं इंटरव्यू लई सद्या जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करन लई आखिरी मिति 18 मार्च 2019 है यानी कि मुढ़ली प्रीख्या तो बाद मेन प्रीख्या मुख प्रीख्या फिर मुख प्रीख्या तो बाद इंटरव्यू तीन पड़ा ने तिने पड़ावां नूं क्लीयर करना दूसरा जिहड़ा पड़ा है मुढ़ली प्रीख्या तो बाद उसकी जानकारी तुसी दोबारा नोट कर सकते हो मुख प्रीख्या विचों सफल उम्मीदवारां नूं इंटरव्यू लई सद्या जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करन दी मिति 18 मार्च 2019 है वैसे दूसरा नहीं तीसरा पड़ा हो गया क्योंकि इंटरव्यू की असी गल कर रहे हैं मुढ़ली प्रीख्या तो बाद जी और विद्यक योग्यता की होनी चाहिए है और डिटेल्स की ने नोट करो जी विद्यक योग्यता उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तो डिग्री पास होना चाहिए है उम्र हद 21 तो 32 साल जनरल वर्ग लई 35 साल OBC लई 37 साल SC ST लई जी विद्यक योग्यता अते इस तो इलावा उम्र हद की होनी चाहिए उसकी जानकारी तुसी एक बारी फिर तो नोट कर लो विद्यक योग्यता दे विच उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी तो डिग्री पास होना चाहिए है उम्र हद 21 तो 32 साल जनरल वर्ग लई 35 साल OBC लई 37 साल SC ते ST कैटेगरी से लई जी ते प्रीख्या दा पैटर्न की रहेगा एक बार फिर तो नोट कर लवो प्रीख्या दा पैटर्न मुढ़ली प्रीख्या जिहड़ी है वह ऑब्जैक्टिव टाइप होएगी जिहदे वास्ते असी 2 जून की डेट तुहानूं दसी है फिर मुख प्रीख्या जो साल के अंत होनी है उहदे विच रिटन ते इंटरव्यू आधारित होएगा और वैबसाइट है जी upsc.gov.in ते 18 मार्च आखिरी तरीक है ऑनलाइन अप्लाई करने वास्ते जी प्रीख्या का पैटर्न की है स्टैप वाइज स्टैप तुसी सारे स्टैप्स दोबारा नोट कर सकते हो मुढ़ली प्रीख्या जी है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होएगी उस तो बाद मुख प्रीख्या होएगी रिटन फॉर्म के इंटरव्यू के रूप के अधिकारित वैबसाइट upsc.gov.in ते ऑनलाइन अप्लाई करन दे लई 18 मार्च 2019 मिति है जिसनों तुसी ध्यान दे विच रखना है सो तीन पड़ा ने पहला प्रीलिमिनरी फिर मेन फिर इंटरव्यू सो तिने पड़ावां नूं क्लीयर करके तुसी इस प्रीख्या दे सफल हो सकते हो जी ते अगला रोजगार दा मौका जो है रक्षा मंत्रालय वल्लों तुहाडे वास्ते उपलब्ध है रक्षा मंत्रालय मुख्यालय माफ करना रक्षा मंत्रालय मुख्यालय दक्षिणी कमान JAG शाखा पुणे ने लोअर डिवीजन कलर्क दियां असामियां लई अर्जियां दी मंग कीती है जी रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री वालों ए आई है विंग जो है वो दक्षिणी है दक्षिणी विंग वालों रक्षा मंत्रालय मुख्यालय दक्षिणी कमान JAG शाखा पुणे ने लोअर डिवीजन क्लर्क LDC दियां असामियां लई अर्जियां दी मंग कीती है जी ते आखरी मिति ते इस तों इलावा अगे दी जिहड़ी असामियां दी जानकारी है उह तुसी नोट कर सकदे हो अप्लाई करन दी आखरी मिति है 1 अप्रैल 2019 असामियां दो ने लोअर डिवीजनल क्लर्क दे लई SC दे लई एक रिजर्वड है OBC दे लई एक रिजर्वड है मतलब जिहड़ियां दो असामियां ने दोनों दियां दोनों ही राखवियां ने SC ते OBC दे लई जी ये जानकारी एक बार फिर तो अप्लाई करन दी आखिरी मिति 1 अप्रैल 2019 असामियां दो ने लोअर डिवीजन क्लर्क दियां SC वास्ते भी एक है ते ST वास्ते OBC वास्ते भी एक है जी ते विद्यक योग्यता जिहड़ी है वह की होनी चाहिए है तजुर्बा जिहड़ा है कम दा वह की होना चाहिए है उसकी जानकारी तुसी नोट कर लो विद्यक योग्यता उम्मीदवार 12वीं पास होवे अते इंग्लिश विच 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी विच 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए है उम्मीदवार की विद्यक योग्यता की है तो वो कोड़ियाँ स्किल्स केड़ा हुनर होना चाहिए वो एक बार नोट करो विद्यक योग्यता उम्मीदवार 12वीं पास होवे ते इंग्लिश विच 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी विच 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए है इस तों इलावा उम्र हद की होनी चाहिए है जिहड़ी तुहानूं ध्यान दे विच रखनी चाहिए है जे तुसी इस उम्र हद दे विच हो तां तुसी अप्लाई कर सकते हो SC दे लई उम्र हद है 18 तों 30 साल OBC दे लई 18 तों 28 साल उम्मीदवार की चोण 12वीं या उसके बराबर प्रीख्या विच प्राप्त अंकों के आधार पर होगी उम्र हद की है तो सिलैक्शन किवें होएगी एक बार फिर तो उम्र हद SC वास्ते 18 तों 30 साल OBC वास्ते
18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਕ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ